it the truth that you'll be leaving tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything. गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो सुबह तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा कुछ क्लिप्स लिया था लंच का ऐसे ही। तो इवनिंग में सीधा आपसे मिल रही हूँ। आज एक्चुअली मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। बहुत टाइम पहले बनाया था, आई थिंक लॉकडाउन में बनाया था लास्ट ईयर। उसके बाद मैं बनाना था, क्योंकि यहाँ पे ना हर गली नुक्कड़ में आपको इंडियन चाट्स वगैरह मिल जाते हैं एंड बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ टेस्ट अच्छा नहीं होता, अच्छे मिलते हैं। बॉम्बे टाइम्स का चीज़ पाव भाजी, वेज वर्ल्ड का, बॉम्बे सेक का, अर्बन तड़के का, इन सब का चीज़ पाव भाजी बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी मन करता है हम लोग खा लेते हैं। बट आज मन कर रहा है कि घर में और कुछ दाल चावल सब्जी वगैरह ऐसे बनाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह तो पोखाड़ा बना था, उसमें फिश फ्राई एंड वही सब भनी बनिया भाई ने खाया था, भाभी ने आलू चोखा वगैरह ऐसे ही खाया था। तो सोच रही हूँ पाव भाजी बनाऊंगी। तो आज आप लोगों के साथ में पाव भाजी की रेसिपी शेयर करती हूँ। होप आप लोग को पसंद आएगा एंड प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए गाइस बनाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। नाच देखो, डांस देखो, डांस देखो। गाइज यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, देन इसमें मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी। आप चाहो तो ये वाला प्रोसेस जो है वो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट सब्जियों को बॉईल कर सकते हो। अल्टीमेटली हमें उसको मैश ही करना है बॉईल करके, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस सब्जियों को भून के अगर हम लोग बॉईल करते हैं ना तो उसमें स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप करके डायरेक्ट सब्जियों को बॉईल कर सकते हो। तो बस यहाँ पर जीरा हल्का सा हम लोग भून लेंगे। देन यहाँ पे मैं लूँगी सब्जियों में आलू, गाजर लिया है, बीटरूट लिया है। बीटरूट से बहुत अच्छा जो पाव भाजी का कलर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। देन इसमें मैं ग्रीन पीस लूँगी, आप चाहो तो गोभी भी ले सकते हो बट मेरे पास अभी है नहीं। तो मैं बस आलू, बीटरूट, गाजर एंड जो मटर, ग्रीन मटर वो लूँगी एंड इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर यहाँ पे करीब मैंने 3 लिए, बाद में हम तड़के में भी टमाटर यूज़ करेंगे। तो बस इसको हल्का सा बस 1-2 मिनट के लिए हम लोग सॉटे करेंगे। एंड यहाँ पे मैं करीब 10-12 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि घर में पाव भाजी बन रहा है तो एक प्लेट तो कोई खाएगा नहीं। तो बस इसको हल्का सा भून लूँगी, देन इसमें नमक वगैरह ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पाव भाजी मसाला। सब्जी बॉईल करते टाइम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करना, देन तड़का लगाते टाइम तो हम लोग ऐड ही करेंगे, बट बॉईल करते टाइम अगर हम पाव भाजी मसाला ऐड करते हैं ना तो सब्जियों के अंदर जो पाव भाजी का फ्लेवर होता है ना तो वो अच्छे से जाता है। तो करीब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ, क्वान्टिटी के हिसाब से। अगर आप कम क्वान्टिटी बना रहे हो तो उस हिसाब से आप वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें अभी पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 सीटी लगा देंगे। सो गाइज यहाँ पे देखिए बीटरूट के वजह से ही पाव भाजी का कलर अपने आप ही मतलब मस्त आ गया है। तो बस अभी इसको हम लोग मैश कर लेंगे अच्छे से पूरा सब्जियों को। सो गाइज अभी हम लोग तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ऑयल एंड बटर खूब सारा। ऑब्वियसली अगर आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी खानी है तो आपको बटर की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर वो वाली टेस्ट लानी है, नहीं तो आप वैसे ही बना सकते हो। बट यहाँ पे मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा है बना पाव भाजी की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना बटर लिया है। एंड बाद में भी भाजी बनने के बाद ऊपर से भी थोड़ा सा हम लोग बटर ऐड करेंगे। तो बटर को बिल्कुल गर्म नहीं करेंगे, इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें बारीक कटे हुए प्याज एंड कैप्सिकम। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे इसमें। बस इसको अभी अच्छे से भून लेंगे।
तो यहाँ पे प्याज एंड कैप्सिकम अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें ऐड करूँगी अभी टमाटर। ऑलरेडी हमने दो टमाटर वो भाजी में ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँ, मतलब और दो टमाटर ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च एंड टमाटर ऐड किया हुआ, तो नमक तो ऐड करना है ताकि टमाटर जल्दी गल जाएगा। एंड मसाले के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, पूरा मसाले के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी भाजी में हमने नमक ऐड किया हुआ है। बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। सो अभी सब्जियों का जो कच्चापन है उसकी स्मेल जो है वो चली गई है, एंड जो बटर का स्मेल है वो अच्छे से आने लगा है। तो इसी स्टेज पे हम लोग पाउडर मसाले जो है वो ऐड करेंगे। लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला एंड करीब दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो एंड क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा बस पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं, उसी पानी में हल्का सा बस एक मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। सो मसाले रेडी है, अभी जो मैश किया हुआ भाजी है वो उसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड जो मतलब कंसिस्टेंसी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगा, देन थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा और पोटैटो मैशर के हेल्प से हल्का सा और मैश कर देंगे एंड उसको मतलब दो चार मिनट तक अच्छे से और कुक कर लेंगे, भून लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे भाजी बन के रेडी है एंड जैसे कि मैंने बताया था ऊपर से थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, ये और टेस्ट जो है एनहांस करता है। एंड बटर आप अपने श्रद्धा के हिसाब से ऐड कर सकते हो, पाव भाजी में अगर बटर की कंजूसी करोगे तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो बस ये बन के रेडी है एंड अगेन सर्व करते टाइम भी ऊपर हम लोग जब प्याज एंड धनिया पत्ता ऐड करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर हम लोग ऐड करेंगे एंड पाव को भी बटर के साथ में ही थोड़ा सा सेकेंगे, तभी मतलब स्वाद अच्छा आता है। तो बस इसीलिए ये सब खाना कभी कभी खाते हैं, मतलब हर कोई कभी कभी खाता है, डेली डेली कोई पाव भाजी नहीं खाता है या डेली डेली कोई इतना सारा बटर नहीं ऐड करता है। तो बस ये बन के रेडी है, अभी हम लोग सर्व करेंगे एंड पाव को पहले सेक लेंगे देन हम लोग सर्व करेंगे। सो पाव सेकने के लिए यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा बटर, मैं ऐड करेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला एंड धनिया पत्ता। बस इसको अभी थोड़ा सा सेक लेंगे, ऊपर से भी थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे बस एंड उस इस वाले साइड को भी थोड़ा सा सेक लेंगे। तो ये बन के रेडी है पाव। Just like we got through everything else, but I see you, honey. This is in no. ऐसा है? वाह वाह, मतलब सच में बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रोड साइड के साथ में, रोड साइड जैसा। रोड साइड को आप पूरे मंगवा सकते हो। बेटर, बहुत ज़्यादा, बहुत यम्मी है। बेबी एक और दो ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तब खा लो ना फिर, 9 बज गए तो। नहीं नहीं, ये जीत के वैसे सब लोग वेट करते हैं। हाँ मस्त। वाह कैसे बना लेते हो आप इतना अच्छा। वाह, प्यार मिलाओ, प्यार और बटर, प्यार और बटर मिलाओ बस। पाव भाजी में और कुछ नहीं चाहिए, बस बटर और प्यार। बहुत यम्मी है दीदी, मैं पक्का ट्राई करूंगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एक्चुअली। बहुत इजी है। कल ब्लॉग देखना ना, ये तो क्वांटिटी में बना इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो जल्दी फट से बन जाएगा। माया और एक नहीं दे रही तो खाई वो ना, देखा देखा दिखा सी जा। हाँ मैं आनुच बेबी, तोरो आनुच। दस का प्लेट। लाइन में आओ, ऐसे नहीं।
पहले पैसे निकालो और देखो मैंने अपने हाथ जलाया है पाव भाजी बनाने के लिए। फिर क्या वो इतना छिटका क्या कैमरा बंद कर तो बात करूं मैं फिर क्यों कैमरा के सामने बोलो। चलो खा के बताओ सबने टेस्ट कर लिया है आप बताओ खाली सबने खा भी लिया। नहीं नहीं खाया नहीं है वो पहाड़ रखा हुआ है बस स्वाद चखा है आप चखो क्या? चलो का? अरे वाह वेरी गुड जियो अब खा के बताओ जियो नहीं ऐसे नहीं बोलो जियो रिलायंस नहीं चाहिए मुझे और बम्बल बी वेरी गुड 10-10 ड्रम रखो पहले फिर स्टार्ट करो। हाँ हाँ ले आओ नीचे ले आओ। How's it? खतरनाक खतरनाक ये इतना बनाया है ये हम चार दिन खाएंगे। जय हनुमान चार दिन खाएंगे आज ही खत्म अगर गिर गया सब बातें बेचारी को एक एक पाव मिल रहा है। तो माया ने बोला कि संग्राम स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था इसलिए सी सेक्शन में था क्योंकि हमारे स्कूल में था कि ए सेक्शन में मतलब होनहार बच्चे होते हैं फिर बी में उससे थोड़ा कम फिर सी में उससे तो माया बोले संग्राम का सी सेक्शन नहीं समझ पाया कि संग्राम का सी सेक्शन कैसे हो सकता है। संग्राम तो बॉय है तो बहुत देर के बाद समझ में था नहीं नहीं वो बात कर रहे थे कुछ और वो ए बी सी वाली बात कर रहे थे ए और बी आया ना तब मेरे को समझ में संग्राम का सी सेक्शन कैसे हुआ। अच्छा भाई संग्राम का सी सेक्शन मतलब डेंजरस मैंने तो कुछ और ही सोच लिया सी सेक्शन का। उसके बाद जब इसने बोला कि नहीं मेरा तो डी सेक्शन था मैं कहता था ठीक है अब समझ में आया। माया होम स्कूल था होम स्कूल माया वाला क्राइम बेबी माया के पापा मम्मी टीचर है ना। अच्छा अच्छा ओके ओके थ्री इयर्स में पढ़ने पढ़ाई करने के लिए फीस की जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म की जरूरत होती है बोला पापा पापा की जरूरत होती है। मैं और मेरी बहन हम दोनों ने कभी पढ़ाई नहीं की जहाँ पे मम्मी पापा टीचर है इतने सालों तो वेट कर रहे थे कि बेटी वहां तक पहुंचे फिर बोले नहीं पापा तो टीचर थे सालों साल वेट करते रहे मम्मी भी तो ये माया पापा मम्मी तीनों पहन के बैठे निकर बन के बैठे और संग्राम अपना अलग सी सेक्शन में बैठा है माया। लेकिन सॉरी संग्राम मतलब सी सेक्शन में आगे कुछ बढ़ा था ए मतलब 1-2-3-4 चल रहा था कि खाली सी में ही रहता था। हम जब गए तभी सी बना हम जब मतलब सी सेक्शन मतलब उनको और बी इस लेवल के होनहार गधे हमारे पास थे ही नहीं। जैसे ही हमें होनहार गधे मिले तो वैसे ही हम सारे होनहार गधों के लिए सेक्शन बनाए फिर आज उन होनार गधों को चुन चुन के इंडस्ट्री में प्लेस कर दिया गया है। अब पता नहीं लोग क्या क्या करते होंगे। यस बेबी बट मजा गया। सो गाइस सब लोग खा के पड़ गए हैं तो सीधा करके कैसे लगा तेरे को? आपने बनाया था जो जो मैंने बताया था वो तो नहीं बताया कल मैं उस पाव भाजी के लिए सब्जियां कौन खरीद के लेके आया था आलू को छोड़ के आलू हमारा खत्म हो गया आलू आज इनका जो नन्ना है नन्ना मतलब बड़े भाई को बोलते हैं वो छोटा मोटा नन्ना नहीं बड़ा वाला नन्ना हमारे पे नन्ना जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं।
हिंदी में जो छोटा होता है उसको नन्ना बोलते हैं, उड़िया में जो बड़ा होता है उसको नन्ना बोलते हैं। तो आज उसको मैंने भेजा कि जा आलू, तो आलू खोद खोद के लाए, वो लेके आया, वो आलू में पूरा मिट्टी पूरा ब्लैक कलर का खोद के लेके आया। पता चलना चाहिए कि ऑर्गेनिक और फ्रेश आलू है ना। लेकिन एक बात है, अगर ज्यादा मिट्टी लगी हो तो पता चले झाड़ने झूड़ने के बाद 1 किलो में से आलू निकले 200 ग्राम। जल्दी आ फिर डुगू। तो गाइस खा पी के सारे सेट हैं, मम्मा परेशान है, जल्दी आ डुगू का मतलब जल्दी आ जाए, खा के ठूस कर जाके सो जाते हैं। वैसे काफी लेट हो गया है, आप लोग भी एंजॉय करें। पाव भाजी में बहुत मजा आया, जरूर बनाइए, जरूर खाइए। सब्जी लाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं जाके ले आऊंगा। और इसको बुलाना हो तो बुला लेना, ये अच्छा बना देगी। चलो सब मजाक अपनी जगह पे गाइस, से बाय बाय टू एवरीवन, बाय। अब सब लोग मस्त मूड में है कि हल्का सा कुछ मीठा हो जाए और फिर दिन एंड करें। होपफुली आपका दिन बहुत शुभ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। बट जाने से पहले आप लोग ये बताएं, इधर बताओ इधर कैसे हैं आप? क्योंकि इसकी शादी हो गई, जब से शादी हो जाती है उसके बाद लोग सतर्क और सावधान नहीं रहते जिंदगी भर। उससे पहले पूरा बिंदास रहते हैं, जैसे शादी होता है सतर्क अटेंशन पोज में हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम लड़कों के साथ में होती है, लड़कियों के साथ में तो नहीं होती है। कोविड की बात से ये मेरे को लगा बोलिए पतियों से सतर्क रहे सावधान रहे, पति ज्यादा खतरनाक होते हैं कोविड से। चलो खा रहे हैं। ये एज यूजुअल इनका फेवरेट पक्की भाती। बाय सी यू। बाय टिक्के दे। हुआ क्या? टिक्के दे। माया का इंस्टेंट कर्मा हुआ। संग्राम इधर बैठा था तो माया ने उसको उठा के बोला तू उधर जाके बैठ, मैं इधर बैठूंगी। जीत ने बोला माया उधर से उठ के इधर बैठ। उनको पूरा इंस्टेंट कर्मा सोफे में ही बैठने के लिए बोला था। मैंने इसलिए बोला कि मैं उनको कॉर्नर करके नहीं, जो भी हो आपका इंटेंशन नहीं था, उसका भी नहीं था, बट इंस्टेंट कर्मा हो गया। बेचारी बेआवाज है लाठी, आप खिलाओगे नहीं ना? This is the last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight?